Being a baller. भाई साहब नहा धो के फ्रेश हो गए हैं आप सबको गुड मॉर्निंग। और जितनी आज सुबह हबस थी ना घर में, इतनी हबस थी भाई, इतनी गर्मी लग रही थी, इंतहा की गर्मी थी, लेकिन अल्लाह ने हमारी सुनी और आज मौसम जो है इतना कोई कमाल का हुआ, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं भाई, क्या ही बताऊँ आपको। हमने दोनों दरवाज़े, एक ये और एक ये बाहर वाला, दोनों दरवाज़े खोल दिए थे भाई, बिल्कुल ठंडा हो गया हमारा घर सारा। तो अभी जो है फ़िलहाल हम जो है एटम बना रहे हैं रेड कलर में बटरफ्लाई पीस, तो वो हमारा काम चल रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बाकी यार आप सबको वेलकम बैक हो गए हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक आपने मूव ऑन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं कि हमारे काम की क्या सूरत हाल चल रही है। सबसे पहले जो है हम आपको दिखाते हैं भाई यूपीएस, मैं खुद भी देख लूँ कि भाई फुल है, एक सेल कम है, वो अभी हो रहा है। और ये चेक करो भाई, ये आपके भाई ये डिवाइस लगी हुई है, ये बेचारी सारा दिन चार्जिंग होती रहती है और साथ बेचारी चलती रहती है। तो अभी जो है फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ काम कहाँ तक पहुँचा और बैठते हैं अल्लाह का नाम लेके अपने काम पे। तो भाई साहब ये हमारे हैंडल बन रहे हैं जी, चेक करें। और इसके अलावा ये बॉर्डर कंप्लीट हुआ पड़ा है, साइड पॉकेट्स वगैरह लगी है। और ये हमारा बैग पल्ला भी तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। तो भाई हम भी बनते हैं मशीन। भाई रेड कलर की जो कढ़ाई है वो अभी तक नहीं आई, जब आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसी लग रही है कढ़ाई बटरफ्लाई वाली, मैंने खुद अभी तक नहीं देखी, तो वेट कर रहे हैं कि कब तक आएगी। हाँ जी, तो भाई साहब काम तो होता रहेगा। छत का माहौल चेक करवाते हैं, ये चेक करो आपके भाई का टॉवल यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपका भाई इतना साफ सुथरा है, जहाँ पे चीज़ पड़ी होती है वहाँ पे फेंक देता है। अभी जो है छत का व्यू चेक करवाते हैं, इतना कोई ठंडा तरीन माहौल हो चुका है छत पे। ये चेक करो भाई साहब, इतना कोई ठंडा तरीन माहौल और ठंडी ठंडी हवाएं, ओए होए होए कमाल हो गया भाई, कमाल वीआईपी मौसम हो गया भाई साहब। बहुत तेज़ तेज़ हवाएँ चल रही हैं। अभी जो है मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कढ़ाई आने का, क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया, कढ़ाई का रहता है, वो आए तो मैं नेक्स्ट काम करूँ। अभी वेट कर रहा हूँ, अभी इसको फ़ोन करके चेक कर लेते हैं भाई कि वो कब तक पहुँचाता है कढ़ाई। ये आ गया जी, देखते हैं भाई क्या बोलता है हमें। ये भाई इतना कुछ सुस्त तरीन आदमी है ना, कहानीबाज। अब मुझे लगता है इसने कॉल ही नहीं उठानी, अजीब ही लोग मिले हुए हैं हमें भी यार काम में, पता नहीं क्या। ये देख अल्लाह के बंदे ने हमारी कॉल ही नहीं उठाई भाई, ये इतना कोई सुस्त तरीन आदमी है, आपको क्या बताऊं। तीन दिन हो गए हैं भेजी हुई है, एक दिन में सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तकरीबन कुछ तीन चार घंटों में, तो तीसरा दिन है आज, तो फिर भी टाइम ही मांगेगा अभी देखना। अभी जो है फिलहाल चलते हैं नीचे, कोई देखते हैं काम शाम करने वाला पड़ा है तो कर लेते हैं, वरना फिर आवारा कर दी। हाँ जी, तो भाई साहब हम कर रहे हैं काम और ये चेक करो बांदर ले आता है कमरा जो काट के, इस बंदे को आप जानते हो गए, पुरानी वीडियोस में देखा होगा आपने इस बंदे को, हमारी वीडियो में जब ये कहते थे सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। फिर भाई क्या होता है जैसी तरह, हेलो यार, मैंने तो हेलो
सब्सक्राइब। ये वो बंदा पहचान लिया। A few moments later। हाँ जी, तो भाई साहब जितना कमाल का आज मौसम हुआ है ना, काम पे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि भाई थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करें, तो मैंने सबको भेज दिया कमरा जो है, लाइटें शाइटें ऑफ कर दी हैं। हमारी कढ़ाई जो है अभी तक नहीं आई थी और दिल भी नहीं कर रहा था काम को, इसी वजह से सबको भगा दिया। चलो खेलो चल के मैं भी आता हूँ आपके पीछे। अभी आपका भाई भी जाने लगा, ताला शाला लगाते हम भी चलते हैं क्रिकेट खेलने। चलो भाई ताला तो ले ले। लॉश ताला लग गया भाई, चेक कर लो। इस एक छोटे से ताले के सहारे अपना पूरा घर छोड़ के जा रहा है आपका भाई। चलो भाई, ये आ गई अपनी फरारी। चलो भाई, और ये आ गई भाई हमारी चमैक्सी किस्म की रोड। लो जी भाई साहब, खेलना हमने खा गया। मेरे साथ वाले जो सारे हैं इधर आ गए, मैं ग्राउंड में गया हूँ, तो वहाँ से पता चला कि भाई स्विमिंग पूल पे चले गए नहाने के लिए। अब आपके भाई को भी जाना पड़ रहा है, पता नहीं कब नहाना था, लेकिन अब देखते हैं क्या बनता है। वहाँ पे जा के सूरत हाल चेक करेंगे, फिर स्विमिंग करेंगे भाई। ये नज़दीक ही आ गया, मैं आपको चल के दिखाता हूँ हमारा इधर का स्विमिंग पूल। आ गया जी यहाँ का स्विमिंग पूल। One eternity later। तो भाई साहब हम फिर वापस आ गए हैं घर, हमारी सारी वाम गई हुई है स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए। आपको दिखाया जैसा कि माहौल, तो माहौल इतना अच्छा नहीं है। मेरा भी थोड़ा सा इरादा बना था नहाने का, तो उतनी देर में भाई पार्सल वाले का फ़ोन आ गया, भाई हमारी कढ़ाई जो है वो हो के आ चुकी है। तो फिर मैंने कहा चले भाई स्विमिंग कैंसल और अपनी प्रिंटिंग पकड़ते हैं, उसको घर रख के आते हैं और आपको भी चेक करवाते हैं। भाई ये चेक करो, ओए हाय कितनी कोई कमाल की है भाई, ओए हाय लेवल हो गया भाई, इतनी खूबसूरत प्रिंटिंग, ओए हाय। दूसरी बात मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जो है फिलहाल वापसी ताला लगाते हैं और चलते हैं, हम भी स्विमिंग करेंगे भाई आज पूरे प्रोटोकॉल के साथ। 2000 years later। हाँ जी, तो भाई साहब घूम शूम के वापस आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो मेरा इरादा बना है नहाने का, तो वैसे ही हमारे एक दोस्त को जो है चोट लगी है बहुत बुरी, टाइल टूटी हुई थी स्विमिंग पूल के नीचे से, तो वो लगी है उसके पाँव में और उसका पाँव भाई पूरी तरह फट गया था, तो उसकी पट्टी शट्टी लगवाई और उसे घर ड्रॉप किया और आपका भाई भी वापस घर आ गया। और चेक करो भाई ये हमारी आटम की सूरत हाल, चेक करो भाई, वाह भाई वाह। ये आपको मैंने ये पहले दिखाई है, आप चेक करो भाई ये वाली, हाय 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 रेड कलर में भाई कमाल लग रहा है भाई। हमारा जो है ना पीस बड़ा खूबसूरत बन रहा है। और अरसलान को देखते हैं भाई, अरसलान कोई मशीन वगैरह चला रहा है किचन में, किचन में। हाँ जी सलाम साहब, क्या बना रहे हो? लो जी अरसलान साहब बना रहे हैं जी जूस फालसे का। तो यार भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा चले नूडल्स शूडल बना लेते हैं। ये तैयार हो गया हमारे नूडल, कभी जिंदगी में नहीं खाए थे जायद भाई ने बना के चेक करवाए हैं भाई, मजा आ गया था खाने में। तो मुझे तो लत लग गई भाई नूडल्स की, मैं ये दूसरी तीसरी दफा खा रहा हूँ, तो बड़ा मजा आता है भाई ये खाने में। अभी जो है मेरे तैयार हो रहे हैं नूडल, अभी नूडल एंजॉय करते हैं उसके बाद काम करेंगे।
ये आ गए जी हमारे नूडल। अरसलान साहब की किया जे स्विमिंग पूल तो मैनू नहीं नाम दिता की हुआ भला दसी जरा की हुआ। चलो भाई तो बस यार सारा प्लान हो चुका है कैंसिल, कुछ भी नहीं करना अभी, सिर्फ काम बैठ के करेंगे। नूडल वगैरह हमने खा लिए, बहुत मज़े के बनते हैं यार नूडल। मैं तो भूला रहा हूँ, इतनी देर तक मैंने कभी खाए नहीं थे, यार भाई ने खिलाए हैं तो मुझे भी कुछ आइडिया हो गया कि कितने कोई कमाल के बनते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल व्लॉग को यहाँ पे कर देते हैं एंड, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमारी आइटम जो है वो सुबह ही कम्प्लीट होगी, क्योंकि अभी हमने रेस्ट बहुत ज़्यादा की है दरमियान में से, तो इसी वजह से कल पे चली गई हमारी आइटम। कल आपको दिखाएंगे कि रेड वाला पीस जो है बटरफ्लाई में कैसा तैयार हुआ है। तो बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गुड बाय।